हाय, फिर मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में मेरे पास है सैमसंग B310e जिसमें कि गंदा वाला वाटर डैमेज हुआ है, तो हम रिपेयर करेंगे इस फ़ोन को। गाइज, इस फ़ोन में प्रॉब्लम ये है कि ये फ़ोन जो है ना वो चार्जिंग लगाने के बाद चालू हो रहा था और चार्जर पे, और उसके बाद जो है वो नहीं हो रहा था। तो पूरा स्टेप मैं आपको बताऊंगा विद सेमेटिक के किस तरीके से रिपेयर करना है, कौन सी लाइनों में प्रॉब्लम आती है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नॉर्मली बहुत सारे फ़ोन जो है वो सेम आईसी पे बेस्ड होते हैं, तो अगर आप भी अपना दिमाग लगाओगे इस वीडियो को देख के, तो बहुत सारे फ़ोन जो है वो 313 B 313 और सैमसंग 1200, उसके अलावा बहुत सारे फ़ोन हैं जो आप रिपेयर कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस जो है वो मैं लगातार अपने इस चैनल पे डालते रहता हूँ, जिससे आप कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर समझ पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना वाटर लॉक्स को पूरा क्लीन करेंगे अच्छी तरीके से आईपी के थ्रू आपके जब क्लीन करोगे ना गाइस, तो इस बात का ध्यान रखना कि बहुत सारे कंपोनेंट जो है ना वो टूट जाएंगे। तो कौन कौन से कंपोनेंट टूट रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, उसका पूरा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम जो है वो सेमेटिक का भी यूज़ करने वाले हैं, तो उसके भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि खाली मतलब साफ़ करने से प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाए, लेकिन वैसा होता नहीं है। तो अभी मैंने पूरा साफ़ करने के बाद जो है वो मैं आपको माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ। देखिए, ये नीचे जो इसका ट्रैक जो है ना वो जल चुका था, और दो तीन कंपोनेंट आप साइड में भी देख सकते हो कि यहाँ पे से जो है वो जल चुके थे। ठीक है, तो अब हम इस ट्रैक को पूरा बनाएंगे। ये बेसिकली जो है ना ट्रैक जो है वो वी बैट का है, जिसकी वजह से हाई वोल्टेज की वजह से जो है वो जल जाता है। तो इसका पूरा पिन आउट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये काम करता है। तो हमने यहाँ पे एक ट्रैक जंपर जोड़ लेंगे, और उसके बाद जंपर को थोड़ा सा कट कर देंगे, क्योंकि आईसी के नीचे तक जो है वो पिन जाना चाहिए। उसके बाद हम इस पे जो है ना आईसी को सेट करेंगे। अब आईसी को सेट करने के बाद ना यहाँ पे और क्या प्रॉब्लम है वो भी देखेंगे सेमेटिक के थ्रू। तो आप वीडियो में बने रहो, अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ लाइक कर लेना, और आप मेरे वीडियो को अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो गैस, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोज़ जो है वो मैं लगातार अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ, जिससे आप कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर समझ पाओगे। तो इसीलिए जो है आपके फ्रेंड जो होंगे जो मोबाइल रिपेयरिंग में होंगे, उनके लिए आप उनके साथ जो है ना मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे हमने ट्रैक को जोड़ लिया है गाइस। जो डॉट होता है जिस साइड में आप बिंदी देख रहे हो, वो डॉट जो होता है वो फर्स्ट होता है। ठीक है, डॉट के साइड में अगर आपको आईसी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन्स होगी, तो डॉट जो होता है वो फर्स्ट होता है। तो बेसिकली जो है वो 10 बॉल्स की जो है वो आईसी है, 11 बॉल्स मतलब 11 पिन की आईसी, आप इसे पीजीए कह सकते हो, पिन आईसी। ठीक है, और पिन आईसी का जो पिन आउट है वो किस तरीके से है, तो इसके लिए हम जो है वो सेमेटिक ओपन करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सी लाइन कहाँ पे किस तरीके से अटैचमेंट होती है, और कितने वोल्टेज की लाइन होती है, चार्जिंग में ये आईसी कैसे काम करती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहो, और उसके बाद जो है ना देखते रहो कि हमने इस प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजॉल्व किया। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इस आईसी को सेट कर लेता हूँ। इसकी एक पोजीशनिंग रखनी है, थोड़ा सा लेयर क्रिएट करने के बाद जब आप पोजीशनिंग रखोगे, थोड़ा सा हिट मारोगे, तो ये ऑटोमेटिक जो है वो प्लेस हो जाएगी। और शोल्डर का यूज़ आपको ज़्यादा करना है, जैसे शोल्डर पेस्ट अगर ज़्यादा लगाओगे तो वो आईसी ट्रैवल करती है और अच्छी तरीके से जो है वो स्टिक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, अभी मैं जो है वो पोजीशन बना रहा हूँ। ठीक है, ये पोजीशन बन गई है, और अभी जो है इस पर हम SMD के थ्रू हिट मार रहा हूँ। देखिए, तो ये अभी देखिए पूरा ड्रा मतलब आपको शाइनिंग नज़र आ रही होगी साइड में, तो हिट जो है वो लग चुकी है, थोड़ी सी आईसी टेढ़ी है लेकिन कोई बात नहीं। और उसके बाद यहाँ साइड कॉर्नर में भी आप देख सकते हो कि थोड़ा सा एक कंपोनेंट जो है वो बर्न हुआ है, तो वो कंपोनेंट जो है वो पैरेलल में या सीरीज़ में है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन्स होगी तो उसके भी आप पे आपको रिपेयरिंग करने में आसानी होगी, और आप समझ पाओगे कि सीरीज़ में लगा हुआ कंपोनेंट जो होता है वो इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि वो कंपोनेंट से आपका जो है प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना हम जो है उस कंपोनेंट को देखेंगे। देखिए, ये अभी आईसी जो है वो हमारी प्रॉपर सेट हो चुकी है, क्योंकि इसके नीचे का ट्रैक जो है वो जला हुआ था,
तो यहाँ पे देखिए पूरा फिक्स कर रहा हूँ मैं अच्छे तरीके से। अभी ये पूरा प्रॉपर जो है वो फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सेट होने के बाद थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद जब ये सूख जाए तो आपको जो है इस ट्रैक में देखो ये थोड़ा अटैचमेंट नहीं हुआ है, टूट गया, तो इस पर थोड़ा सा हम फिर से जो है वो अटैचमेंट कर देता हूँ मैं आपको यहाँ पे शोल्डर वायर के थ्रू। देखो ये अटैचमेंट कर दिया है मैंने, जो ट्रैक पे शोल्डिंग हो गई रहेगी। और उसके बाद यहाँ पे दो लाइन कंपोनेंट का लाइन है शायद, और नीचे कंपोनेंट का लाइन जो है वो बर्न हुआ है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे, तो इतना करने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं वो भी देखना होगा। और उसके बाद जो है ना देखिए, अभी पूरा क्लीन कर लेता हूँ मैं अच्छे से। तो गाइज़ यहाँ पे अगर मैं सेमेटिक में आपको दिखाऊँ, देखें तो सेमेटिक में जिस साइड में आप वन देख रहे हो ये बेसिकली जो है वो वी चार्ज की लाइन है, वी चार्ज लिखा हुआ। उसके बाद सेकेंड लाइन जो है वो एक रजिस्टर के थ्रू जो है वो ग्राउंड की है रीसेट के लिए, ठीक है, एडजस्टमेंट के लिए कुछ वोल्टेज को ड्रॉप किया जाता है वहाँ पर। दूसरा जो है वो चार्जिंग के लिए है आपका, और LDO चार्ज LDO का लाइन है जो कि मैंने ऑलरेडी बताया ट्रांजिस्टर और MOSFET की स्विचिंग, इसमें बेसिकली ट्रांजिस्टर और MOSFET दोनों हैं। तो उसके बिहाव पे इस सेमेटिक के थ्रू आप जो है वो समझ सकते हो। अगर आपको सेमेटिक को समझना है तो काफ़ी इजी है, वीडियो को पॉज करके भी आप देख लेना, सारे ट्रैक की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो गाइस रजिस्टर लगा हुआ उसको हम जंपर कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो है वो LVR रजिस्टर है, तो कोई बात नहीं हम उसे जंपर कर लेंगे। जंपर करने के बाद फ़ोन को हमने कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जंपर कर लिया है, और यहाँ पे शोल्डिंग प्रॉपर है, सारे बॉल स्टिक हुए हैं। जिस साइड डॉट है वो पहला पॉइंट है, तो डॉट के साइड का पॉइंट आप देख सकते हो वी चार्ज का, और यहाँ पे, और उसके बाद जो है ना जो बर्न हुआ पार्ट है ये बैटरी कनेक्टर का वी बैट का है। तो जब ये वी बैट जो है वो शॉर्ट हो जाएगा वी चार्ज से, तो आपका चार्जिंग का इंडिकेशन भी आएगा बैटरी लगाने के बाद, और जो है ना आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा, तो उस टाइम पर जो है ना बीच वाले ट्रैक से जो चार्ज LDO की लाइन आती है उस पर डायरेक्ट आपका वी बैट का वोल्टेज जाएगा। तो जिसकी वजह से जो है ना जब आप बैटरी लगाओगे तभी आपका फ़ोन जो है वो ऑन होगा। तो इसी की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो सैमसंग की इस सीरीज़ में आती है जो कीपैड की सीरीज़ है। तो उम्मीद है देखो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो चुकी है गाइज, और अगर आप वीडियो को पॉज करके देखोगे तो मेरे हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फ़ोन जो है वो हमारा चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मोबाइल रिपेयरिंग वीडियोस के लिए, आप टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस जो है वो अपने चैनल पर लगातार लाते रहता हूँ, जिससे आप कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर समझ पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा गाइस, आप वहाँ से मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा सोशल हैंडल की लाइन जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगी, मेरा मोबाइल नंबर भी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप में से कोई भी जो है वो ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहता है, क्योंकि नॉर्मली मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ तो ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैं डैम श्योर बोलता हूँ कि मैं आपको ऑनलाइन में भी अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दे के सिखा सकता हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर